हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे रियलमी एक्स सेवन मैक्स डिवाइस की 8.19 अपडेट आ चुकी है और ये अपने साथ लाती है सितंबर का सिक्योरिटी पैच। बट दुख की बात यह है कि जहाँ एक्सपेक्टेड था रियलमी 3.0 अक्टूबर में लॉन्च होने का, वो तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन जो भी देखने को मिल रहा है वो आपके सामने है यहाँ पे। ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस दी गई है और सिक्योरिटी पैच है। इस अपडेट का साइज 244 MB है और ये 8.19 वर्जन है आपके अपडेट का। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड काफ़ी था कि यार रियलमी का जो 3.0 है वो लॉन्च हो जाना चाहिए अक्टूबर में, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो जल्दी से इसको डाउनलोड कर लेते हैं और इंस्टॉल करके देखते हैं कि क्या हमें देखने को मिल रहा है इस अपडेट में। वैसे तो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट दी गई है, तो हम ये भी टेस्ट करेंगे आने वाली वीडियोज़ में कि इसमें हमें क्या क्या और देखने को मिलेगा। मतलब इसकी परफॉर्मेंस जो ऑलरेडी इतनी ऑप्टिमाइज थी, मतलब और हो सकती थी डायमेंसिटी 1200 के हिसाब से, तो क्या वो हो पाई है। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। N22 गीक बेंच और ये सारे टेस्ट मैं करने वाला हूँ, तो वो वीडियो 8.19 अपडेट के बाद देखने मत भूलिएगा। और बिल्कुल तसल्ली करके आप अपडेट करिएगा। इस वीडियो के एंड तक आपको ये समझ जाएगा कि आपको अपडेट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 244 MB का ये अपडेट है, रियलमी 2.0 है। बहुत सारे लीक्स ऐसे आ रहे थे, माधव सेठ जो रियलमी के CEO हैं उनने बताया था कि यार यहाँ पे हमें वो अपडेट मिलेगी रियलमी 3.0 इन डिवाइसेस में, उसमें हमारे रियलमी X7 Max डिवाइस का भी नाम था, लेकिन वो अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। काफ़ी नेटवर्क इम्प्रूवमेंट भी दिए गए हैं कॉल रिकॉर्डिंग कॉल फॉरवर्डिंग से रिलेटेड। तो अगर आपको ये अपडेट नहीं मिली है तो आप घबराइए मत, ये रोल आउट हुई है आज ही के आज, तो ये मुझे अभी मिल गई है, आपको एक दो दिन में मिल सकती है, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, सब डिवाइसेस को मिलेगी, ये रोल आउट हो चुकी है अपडेट। तो जैसे कि ये डाउनलोड हो रहा है, ये कंप्लीट भी होने वाला है अभी, तो 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया है कंप्लीट, अब ये डाउनलोड जल्दी से इसको इंस्टॉल कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं अपने डिवाइस को और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिले हैं, क्या आपको ये अपडेट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। वैसे ये जो सिक्योरिटी पैचेस मिलते हैं ये काफ़ी सही रहते हैं, क्योंकि रियलमी जो दे रहा है ना, तब से मैंने डिवाइस परचेज किया है तब से लेके अभी तक मुझे हर मंथ के एंड या स्टार्टिंग में आपको एक ना एक सिक्योरिटी पैच देखने को मिल ही जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि ये सिक्योरिटी पैचेस जो होते हैं ना, हम एंड्रॉयड के लिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट देते हैं और आपके डिवाइसेस में मैलवेयर एडवेयर वगैरह को रोकते हैं। तो ये सिक्योरिटी पैचेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको अपडेट कर लेना चाहिए अगर आती है तो, वैसे तो। लेकिन अगर इसमें कोई बग्स होते हैं तो आपको रुक जाना चाहिए। तो वो बग्स देखने के लिए मैं इस फ़ोन को टेस्ट करने वाला हूँ आने वाली वीडियोस में, आप देखोगे, क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो है कि अभी ही अपडेट आई है, मैं तुरंत आपको रिव्यू दे नहीं पाऊंगा। एक आध दिन यूज़ करूंगा, क्या इश्यूज मुझे फेस हो रहे हैं, फिर मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इस अपडेट में आपको ये देखने को मिल रहा है कि आप कैसे अपडेट कर सकते हो और मैंने कैसे अपडेट किया, और कोई भी टेंशन की बात नहीं है अगर आपको अपडेट नहीं मिली है तो, ये अपडेट आपको मिल जाएगी जल्दी, क्योंकि ये रोल आउट कर चुका है रियलमी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टेज 1-5 हर अपडेट में यही सेम प्रोसीजर फॉलो करता है, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ, इतने इस सबको बोरिंग नहीं करूँगा मैं, और आपको जल्दी से डिवाइस स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि क्या अपडेट में हमें क्या देखने को मिल रहा है। वैसे तो इसमें परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट वगैरह दी गई है, लेकिन अब ये देख सकते हो 5x5 हो चुकी है स्टेज पूरी। अब परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट में शायद BGMI हमारा फिक्स हो गया हो, शायद नहीं हुआ हो, कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हो ना, तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरे बाकी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे फॉलो कर सकते हो। हमने टेलीग्राम पे एक कम्युनिटी बना के रखी है जहाँ पे हम एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अपने डिवाइस से लेके, रियलमी का कोई डिवाइस हो या और कोई सा भी कोई डिवाइस हो, तो आप जाके वहाँ पे कम्युनिटी में हमारे जुड़ सकते हैं और हम आपकी हेल्प करेंगे वहाँ पे। और आप मुझे और कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को जितना हो सके ना उतना शेयर कर दो, क्योंकि यार यही चीज़ जो है ना वो मुझे मोटिवेशन देती है और जिसकी वजह से ये वीडियोज़ जो बनती है ना वो पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि बिना मोटिवेशन के यार काम करने का मन ही नहीं होता ना। और यहाँ पे ये देख सकते हो आप Realme का लोगो आ चुका है, तो ये जल्दी से बूट अप हो जाएगा और ये बूट अप भी हो चुका है जल्दी से इसको लॉगिन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हमें देखने को मिल रहा है इस अपडेट में। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, ये लॉगिन हो चुका है। अब डिवाइस में तो थोड़ा सा
हमें एकदम से ऐसे फर्स्ट इंप्रेशन में तो कोई भी कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी ना उसमें आपको पक्का वो हो जाएगा कि आपको ये अपडेट में क्या क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ वर्जन के, यहाँ पे वर्जन जो है 8.19 यहाँ पे शो हो रहा है, 8.19 शो हो चुका है। तो ये जो अपडेट थी ये हो चुकी है कंप्लीट। मुझे तो अभी फिलहाल में अभी आपके सामने ही मैंने अपडेट करी है और मुझे सेटिंग में कुछ भी अनोखा देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे ये इसे स्लाइड कर रहे हैं तो भी कुछ ऐसा कुछ इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है कि कुछ, मुझे ये कैलेंडर थोड़ा सा अलग दिख रहा है। ठीक है, आगे मैं और अपडेट को टेस्ट करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि इस अपडेट में आपको क्या क्या मिल रहा है। ये अपडेट, ये वीडियो फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो थी, यहाँ मैंने अपडेट कर दिया है, मेरा फ़ोन अच्छे से रन कर रहा है, कोई भी बूट लूप कोई भी इशू मुझे देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे कैमरा का और सैंपल लेके दिखा देते हैं आपको कि कैमरा में कुछ इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं। वैसे इस अपडेट में तो दी नहीं गई है, लास्ट अपडेट में दिया गया था कि कैमरा में इंप्रूवमेंट है। यहाँ पे मैंने इमेज खींची है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ऐसी कैमरा में कुछ भी इंप्रूवमेंट तो देखने को नहीं मिल रही है। जैसी पहले फोटोज खींचता था वैसी ही सिमिलर आ रही है। तो देखते हैं इस अपडेट में क्या देखने को मिलता है। वैसे इस अपडेट में वैसा कोई इशू नहीं है कि आपका फ़ोन बूट लूप हो गया या कुछ हो गया, मस्त अपडेट थी, हो गई इजीली और आप भी कर सकते हो अगर आपको मिली है तो। और आगे इसके बारे में वीडियोस बनाने वाला हूँ तो उनको देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।